गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो आज हम निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर जानेंगे कि निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो निजी कंपनी और भारतीय कंपनी में अंतर जो पढ़ने जा रहे हैं वो यह है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कई विशेषाधिकार छूटें प्रदान किए हैं, जो मैं आपको अंतर बताने वाली हूँ। सबसे पहले है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या में यह है कि निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा 1 वाली कंपनी में 1 और तथा अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। तो निजी कंपनी में 2 सदस्य मिनिमम हो सकते हैं, और अगर वो एकल व्यक्ति कंपनी है तो 1, और निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनी की जो सदस्यों की संख्या है वो 7 है, और अधिक से अधिक संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जनता को निमंत्रण। निजी कंपनी अपने अंशों और ऋणपत्रों का क्रय करने के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों और ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है। मतलब निजी कंपनी अंशों और ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, और जबकि सार्वजनिक कंपनी ये अलॉट कर सकती है, अलॉटमेंट का इशू कर सकती है कि निमंत्रण दे सकती है अंशों के जनता को निमंत्रण कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रदत्त पूंजी। तो निजी कंपनी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की जो प्रदत्त पूंजी है वो 1,00,000 अथवा इससे अधिक निर्धारित की गई राशि होनी चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम प्रदत्त राशि 5,00,000 होनी चाहिए, है ना। तो ये भी एक अंतर है। नेक्स्ट है सार्वजनिक जमा। निजी कंपनी पर सार्वजनिक जमा स्वीकार करने में प्रतिबंध है, और सार्वजनिक कंपनी के विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट है पर्यावरण का निर्गमन। निजी कंपनी पर्यावरण अथवा पर्यावरण को स्थानापन विवरण पत्र निर्गमित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी को पर्यावरण और पर्यावरण का स्थानांतरण प्रपत्र निर्गमन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है व्यापार प्रारंभ। निजी कंपनी समाविलन प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी समाविलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी उसे समय तक अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है, जबकि व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सकता। और अंशों का आवंटन के आधार पर देखें तो निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद अंशों का आवंटन कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी समामेलन का जबकि एक सार्वजनिक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही अपने अंशों कारण पत्र तब तक नहीं कर सकती जब तक कि न्यूनतम अभिदान राशि के बराबर प्रार्थना पत्र प्राप्त ना हो। नेक्स्ट है अंशों का हस्तांतरण। इस कंपनी जो निजी कंपनी होती है वह अपने अंशों के हस्तांतरण इस कंपनी को अपने अंशों को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होता, और जबकि सार्वजनिक कंपनी व अपने अंशों का हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेशन या प्राइवेट शब्द का प्रयोग। कुछ पॉइंट बच्चों मैं इसमें टाइप नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो प्राइवेट या लिमिटेड या प्राइवेट शब्द का प्रयोग। तो निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का लिखना अनिवार्य है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि आप कंपनी का नाम पढ़ के ही समझ जाएंगे कि वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी में अपने नाम के आगे उसे प्राइवेट शब्द का लगाना जरूरी है, और निजी कंपनी को लिमिटेड शब्द का पब्लिक वाली कंपनी सार्वजनिक कंपनी है उसे लिमिटेड शब्द का लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर। निजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्तांतरण आवश्यक हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्तांतरण होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट है अंतर नियमों का निर्माण।
अंशों द्वारा सीमित निजी कंपनी को अपने अंतर्नियमों को बनाना अनिवार्य है, जबकि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को अंतर्नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है संचालकों की संख्या। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालकों का होना जरूरी है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है संचालक संबंधित प्रलेखों का भेजना। तो निजी कंपनी द्वारा संचालकों की अनुमति या योग्यता अंश लेने का निम्नलिखित आश्वासन रजिस्ट्रेंट को भी भेजना आवश्यक होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी द्वारा संचालकों की अनुमति योग्यता अंश लेने की लिखित आश्वासन तथा संचालकों के साथ किए गए अनुबंध इत्यादि प्रलेखों का रजिस्ट्रेशन के पास भेजना आवश्यक है। निजी और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है संचालकों की संख्या में अभिवृद्धि। निजी कंपनी संचालकों की संख्या में अभिवृद्धि करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या में अभिवृद्धि करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट है ऋण। किसी निजी कंपनी को अपने संचालकों को ऋण देने से पूर्व केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है, और सार्वजनिक कंपनी अपने संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है संचालकों का अवकाश ग्रहण करना। तो निजी कंपनी में प्रतिवर्ष 1/3 संचालकों को पारी में आवश्यक अवकाश ग्रहण करने का आवश्यकता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 1/3 संचालकों की पारी में अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। और पारिश्रमिक में यह आएगा कि निजी कंपनी प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के प्रबंधकीय पारिश्रमिक की शुद्ध लाभ में 11% से अधिक नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है कार्यवाहक संख्या। निजी कंपनी के अंतर्नियमों में किसी भी कार्यवाहक संख्या का उल्लेख न होने पर उसकी सभा को सदस्य की कार्यवाहक संख्या 2 होगी। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में यह संख्या 1 होगी, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंतर्नियमों की किसी कार्यवाहक का उल्लेख नहीं हो तो उसकी सभा में कार्यवाहक संख्या 5 से 30 तक सदस्यों की संख्या के आधार पर तय की जा सकती है। नेक्स्ट है मतगणना की मांग। तो न्यूनतम कंपनी 10% मताधिकारी के रखने वाले सदस्यों की मांग की जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में मतगणना की मांग करने के लिए कम से कम 10% मताधिकारी या 5,00,000 या अधिक अंश ग्रहण करने वाले अंशों द्वारा मांग करनी पड़ती है। नेक्स्ट सम्मान समूह की कंपनियों की ऋण और विनियोग। तो एक निजी कंपनी अपने समूह को कंपनियों को ऋण दे सकती है या उसके अंशों और ऋण पत्रों को धन स्वतंत्रतापूर्वक विनियोग कर सकती है, और एक सार्वजनिक कंपनी अपने ही समूह को किसी अन्य कंपनी के ऋण नहीं दे सकती और ना ही उसके अंशों ऋण पत्रों का विनियोग कर सकती है। नेक्स्ट अंतर है इसका केंद्र सरकार का अधिकार। तो केंद्र सरकार निजी कंपनी में संचालक नियुक्त नहीं कर सकती और ना ही उसके परिवर्तन पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है, और केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी में संचालक मंडल की नियुक्ति कर सकती है, साथ ही वह उसमें किसी परिवर्तन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो बच्चों इसमें टोटल 22 पॉइंट है इसके डिफरेंस के, तो मैं सारे इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं दे पाई हूँ, टाइप नहीं कर पाई हूँ, तो आप 22 पॉइंट अपने बुक के अंदर देखिएगा। लेकिन मैंने आपको वर्बली सारे पॉइंट बता दिए हैं जो भी इसके अंदर आ रहे हैं कि दोनों कंपनियों में एक बहुत बड़ा अंतर है पॉइंटों के आधार पर कि उनकी संख्या कितनी है, वो अंशों को जनता को निमंत्रण दे सकते हैं दे सकते हैं, प्रदत्त पूंजी क्या है उनकी, संचालकों की संख्या क्या है, सार्वजनिक जमा क्या है, प्रवीण का निर्गमन क्या है, व्यापार प्रारंभ कैसे कर सकते हैं, अंशों का आवंटन कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों सारे पॉइंट ये अंतर निकल के जो आ रहे हैं दोनों कंपनियों में बहुत बड़ा अंतर निकल के आ रहा है। तो इससे इस टेबल से हम समझ सकते हैं डिफरेंस है कि सार्वजनिक और निजी कंपनी क्या है। तो आप अपनी बुक के अंदर का देखिएगा सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।